वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट, साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए न्यू वीडियो को अपलोड कराते हुए जा रहे हैं, ताकि 11 के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया थे कि क्वांटम नंबर का जो फर्स्ट बीट था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको डिटेल से बताया गया। आज का जो वीडियो अपलोड होने वाला है उसका सेकंड पार्ट है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग वीडियो को जानबूझकर छोटा छोटा पार्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा समझ में आए। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए स्क्रीन पर दिया गया दैट इज क्वांटम नंबर का सेकेंड पार्ट, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर को आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डील करेंगे। और ध्यान रहे, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आज जानेंगे या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर किस किस बिंदु पर फोकस करता है, किस किस बिंदु को हमें जानकारी प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए इट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एजिमुथल क्वांटम नंबर किस किस बिंदु पर फोकस करता है, उसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इन ईच ऑर्बिट एग्जिस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ सबसेल्स एंड डिटरमाइन बाय एन माइनस वन फॉर्मूला। तो कहने का मतलब क्या है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करता है कि किस ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, और उसको हम लोग एन माइनस वन फॉर्मूला के माध्यम से क्या करते हैं, निकालते हैं। दैट इज नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन, वेयर एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से एक्सटेंड होता है। व्हाट इज वन, फर्स्ट ऑर्बिट को एक्सपेंड करता है, ये आपका एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सपेंड करता है, बताता है कि किस किस ऑर्बिट में कितने सबसेल आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको ऑर्बिट को क्लियर करता है कि किस ऑर्बिट में के में है, कि एल में है, कि एम में है, कि एन में है। अब देख सकते हैं बट वैल्यू ऑफ एल इज वेरीज फ्रॉम 0 to L। ध्यान दीजिएगा, एल का जो भी वैल्यू आता है वो 0 से ही वेरी करता है। अगर मान लीजिए एल का वैल्यू 2 आता है तो 0, 1, 2 होगा, 1 होता है तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 4 होता है तो 0, 1, 2, 3, 4 होगा। अब अलग अलग एल वैल्यू का जो सबसेल का कोड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं, ये आपका एल वैल्यू है और ये आपका आता क्या बोले, सबसेल। ध्यान दीजिएगा एल क्या तरह का कोड है। सबसे पहले जानेंगे कि अगर एल का वैल्यू 0 होता है, दैट मीन 0 बताता है एस सबसेल का कोड है, 1 पी सबसेल का कोड है, 2 डी सबसेल का कोड है, 3 एफ सबसेल का कोड है, 4 जी सबसेल का कोड है। इस प्रकार से हर एक सबसेल का एल वैल्यू क्या होता बोले, डिफरेंट होता है। दैट इज S के लिए L वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, P के लिए क्या होता है, 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पर डिफरेंट डिफरेंट सबसेल जो पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, उसको हम लोग एन माइनस वन का फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो माई डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पूरा पार्ट को स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग का टारगेट क्या है कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे एल का वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करके क्या करेंगे, हम लोग डिटरमाइन करते हैं। चलिए आते हैं
फोर एन इक्वल टू वन। सबसे पहले क्या करते हैं, एन इक्वल टू वन लेते हैं। एन इक्वल टू वन का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट का सिंबल क्या बोले, के। सो केस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में, दैट इज के ऑर्बिट में, दैट इज के सेल में कितने सब सेल पाए जाते हैं। देखो एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बोलिए, एन माइनस वन। एन का वैल्यू कितना, वन। वन माइनस वन क्या क्या बोले, जीरो। तो एल का वैल्यू क्या गया, जीरो। ध्यान दीजिएगा ये जो एल का वैल्यू है एक का कोड को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। आपको अभी तुरंत बताया थे कि एल इक्वल टू जीरो किसका कोड था, एल इक्वल टू जीरो आपका था किसका बोलिए, एस सबसेल का था। तो कहने का मतलब जब एल का वैल्यू जीरो आ जाता है तो जीरो खुद सबसे छोटा वैल्यू है, तो जीरो से और छोटा कोई फेरी करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एक यहाँ पर सिंगल वैल्यू आएगा, दैट इज क्या बोलिए, जीरो। और जीरो किसके लिए आता है बोलिए, एस के लिए आता है। एन कितना था, वन था, इसलिए हम बनाएगा वन एस। दैट मीन आपका पहला ऑर्बिट आपका के, दैट इज एन इक्वल टू वन में आपका एक ही सबसेल है, क्या बोलिए, एस। दैट इज क्या बोलिए, वन एस। वन एक्सप्लेन करता है ऑर्बिट को। तो आपको अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं, आपका जवाब क्या होगा बोलिए, ओनली वन सबसेल। कौन सा होगा, दैट इज वन एस। ठीक है, उसी प्रकार फोर एन इक्वल क्या लेंगे बोले, टू। टू का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। टू का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट को एल से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। डियर फोर एन इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन, टू माइनस वन आपका एल का वैल्यू आ जाता है क्या बोले, वन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एल का जो भी वैल्यू आएगा वो वेरी करता है जीरो से। ठीक है, तो वन का मतलब यहाँ दो वैल्यू है, जीरो एंड वन। जीरो किसके लिए आता है, एस सबसेल का कोड है। वन किसका है बोले, पी सबसेल। एल का वैल्यू कितना, टू, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टू एस और टू पी लिखेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि सेकेंड ऑर्बिट में, दैट इज एन इक्वल टू टू मतलब एल ऑर्बिट में दो सबसेल है, क्या बोले, टू एस एंड टू पी। ठीक है, सिमिलरली फोर एन इक्वल टू थ्री। थ्री का मतलब क्या होता है बोलिए, थर्ड ऑर्बिट। थ्री का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट को एम से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें जानेंगे कि एल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एल माइनस वन, थ्री माइनस वन, टू। तो एल का वैल्यू कितना ज्यादा बोले, टू आता है। टू का मतलब है दैट इज नॉट ए सिंगल वैल्यू एंड इट वेरी फ्रॉम जीरो, वन एंड टू, दैट इज थ्री वैल्यू। जीरो का कोड क्या है, एस। वन का कोड क्या है, पी। टू का कोड क्या बोले, बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एल का वैल्यू थ्री है, इसीलिए थ्री एस, थ्री पी एंड थ्री डी। इस प्रकार से थर्ड ऑर्बिट में आपको पता चल जाता है टोटल थ्री सबसेल, दैट इज थ्री एस, थ्री पी एंड थ्री डी। आप देख सकते हैं आपका तीसरा ऑर्बिट में आपका तीन सबसेल है, एन इक्वल टू थ्री, दैट मीन एम सेल में तीन सबसेल, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको उसको बारीकी से समझना है और उसमें एक कंसेप्ट क्लियर आ जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होता है सबसेल का संख्या भी उतना ही होता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में सबसेल कितना था बोलिए, ओनली वन सबसेल, कितना था बोलिए, वन, दैट इज वन एस। सेकेंड ऑर्बिट में आपका टू सबसेल, कितना होता, टू सबसेल, दैट इज टू एस एंड टू पी। एंड थर्ड ऑर्बिट में आपका थ्री सबसेल, कितना बोलिए, थ्री एस, थ्री पी एंड थ्री डी। तो इससे यह पता चल जाता है कि जितने ऑर्बिट को हम एक्सप्रेस करते हैं सबसेल भी उतने ही होंगे। अगर आपको कोई पूछता है कि पांचवा ऑर्बिट, दैट इज फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सबसेल है, क्या बोलेगा, फाइव। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होता है सबसेल का संख्या भी उतना ही होता है। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फटाफट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको हम अधिक से अधिक जो भी टर्म आएंगे समझा सकें। ठीक है, हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जो पार्ट पढ़े हैं उसी को बॉक्स के माध्यम से और ऑर्बिट के माध्यम से क्या करेंगे, और बेटर तरीके से क्लियर करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए कि एन इक्वल टू वन, जब एन इक्वल टू वन लिए तो हमारा एल जो वैल्यू आया था दैट इज क्या था बोलिए, जीरो। क्या था बोलिए, जीरो था। क्या था, जीरो। जीरो में वैल्यू हमारा वेरिएशन नहीं करेगा, जब वेरिएशन नहीं करेगा इसका मतलब जीरो किसके लिए होता बोलिए, सिर्फ
एस के लिए किसके लिए बोलिए, एस के लिए दैट मीन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या बोलिए, वन एस वन, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का बात करते हैं उस समय आपका एल का वैल्यू क्या था बोलिए, वन आता है। वन का मतलब जीरो भी आता है और वन भी आता है। जीरो किसके लिए बोलिए, एस के लिए, और वन किसके लिए, पी के लिए। चूंकि ये सेकेंड ऑर्बिट का है इसलिए 2s और क्या बोलिए 2p। तो देख सकते हैं कि पहला ऑर्बिट में एल वैल्यू जीरो आया और उसमें सबसे एक ही था, दैट इज 1s। सेकेंड ऑर्बिट में हमारा एल का दो वैल्यू आता है, जीरो एंड वन। उस कंडीशन में हमारे पास दो सबसेल है, दैट इज 2s एंड 2p। जब हमारा एल का वैल्यू, एल का वैल्यू जब 3 आता है, जब थर्ड ऑर्बिट का बात करते हैं तो उस समय एल का वैल्यू आता है क्या, 2। 2 में आपका जीरो भी होगा, वन भी होगा और 2 भी होगा। जीरो किसके लिए आता है बोलिए, एस के लिए। वन किसके लिए, पी के लिए। 2 किसके लिए, डी के लिए। आपको पता है कि एल का वैल्यू हमारा 3 है, तो 3s, 3p और 3d। उसी प्रकार जब फोर्थ ऑर्बिट का बात करते हैं तो उस समय हमारा एल का वैल्यू जो आएगा, जीरो भी आएगा, वन भी आएगा, टू भी आएगा और थ्री भी आएगा, ठीक है। जीरो किसके, किसका कोड है बोलिए, एस का है, तो एस पी डी एफ, ठीक है। अब इसमें फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या बोलिए, 4s, 4p, 4d और 4f। उसी प्रकार हम जब फिफ्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो उस समय हमारा जो एल वैल्यू आएगा, अभी तुरंत बताया थे, 0, 1, 2, 3, 4। दैट मीन जीरो आता है एस, वन का पी, टू के लिए डी, थ्री के लिए एफ, अब फोर के लिए क्या बोलिए, जी आएगा। एन हमारा क्या बोले, 5 है, इसलिए 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। आप लोग इसमें गौर कर सकते हैं कि सबसेल्स, टोटल सबसेल्स, टोटल सबसेल्स फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा टोटल सबसेल क्या बोले, ओनली 1s, एक सबसेल। सेकेंड ऑर्बिट में क्या बोले, 2s एंड 2p, टू सबसेल। थर्ड ऑर्बिट में 3s, 3p, 3d, मतलब 3 सबसेल। चौथा ऑर्बिट में 4s, 4p, 4d, 4f, दैट मीन 4 सबसेल। और पांचवा ऑर्बिट में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज क्या बोले, 5 सबसेल। आपको पहले ही बता दिए थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना होता है सबसेल भी हमारे उतने ही आते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको गलती कर देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं ये K, ये L, ये M, ये N, ये क्या O। K मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, L मतलब सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फाइव। अब देखिए इसी को हम उतारते हैं। तो पहला ऑर्बिट में क्या था बोलिए, 1 का S, ओनली 1 सबसेल। सेकेंड ऑर्बिट में क्या है, 2S, 2P, हमेशा S से ही स्टार्ट होता है। थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, 3S, 3P, 3D। चौथा में क्या होगा, 4S, 4P, 4B एंड 4F। पांचवा में क्या होगा, 5S, 5P, 5D, 5F एंड 5D। इस प्रकार से किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बारीकी से क्या करते हैं, निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये था आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर का पहला कंसेप्ट कि किस ऑर्बिट में कितने सबसेल पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, किस तरह से निकालते हैं, उसको हम लोग क्या क्या बारीकी से समझ गए। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या है अगला डायरेक्ट क्या है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको यह भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हुए क्या करता है, ऑर्बिट में क्या करता रहता है, घूमते रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करता है, दैट इज इट एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम वी आर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान देना है कि वेयर स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज आर रेडियस
ऑफ ईच ऑर्बिट। मोमेंटम आप पहले जानते हैं, व्हाट इज मोमेंटम, दैट इज मास इनटू क्या बोले वेलोसिटी। यहां पर एक न्यू वर्ड आ जाता है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कोणीय संवेग। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मास और वेलोसिटी के अलावे एक थर्ड पार्ट आ जाता है, दैट इज क्या बोलिए रेडियस। और वो हर ऑर्बिट में रेडियस अलग अलग होता है, इससे ये साबित होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या बोलिए अलग अलग होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में अलग होगा, सेकेंड ऑर्बिट में अलग होगा, थर्ड ऑर्बिट में अलग होगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस से दैट इज वेरी हो रहा है, अलग अलग ऑर्बिट में हमारा रेडियस भी क्या करा बोलिए वेरी कर जाता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलिए हो जाता है, दैट इज एम वी आर। व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज आर, दैट इज रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है एजिमुथल क्वांटम नंबर का, दैट इज सेफ। ये ऑर्बिटल का शेप को भी बताता है, जैसे कि एस का शेप क्या होता है बोलिए, स्फेरिकल होता है, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, और एफ का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, उसी हम लोग नॉर्मली तीन का ही शेप को स्टडी करते हैं, दैट इज एस पी एंड डी, जो अभी आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करेंगे, एक्सप्लेन कराएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का शेप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, जैसे फोर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है That is spherical, spherical shape. ये आपका x axis, y axis एंड z axis। तो कहने का मतलब क्या है कि s orbital का जो shape होता है क्या होता है बोलिए, वृत्ताकार होता है, that is spherical shape। अब उसके बाद आता है क्या बोलिए, फोर p subshell। p में आपको बताया गया था कि orientation क्या होता है, तीन होता है, क्या होता है, तीन बटे होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी मेड क्वांटम नंबर में ओरिएंटेशन। अब देख सकते हैं px x एक्सिस को एक्सटेंड करता है, py y एक्सिस और pz z एक्सिस। ध्यान देना है कि p सबसेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, डंबल होता है, क्या होता है, डंबल। ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसमें भी क्या किया है, x y z, इसमें भी x y z। ध्यान रहे, एक हमारे इसको px मानेंगे और बेटा ये क्या हो रही py और ये क्या हो रही pz, ठीक है। अब ध्यान देना है कि चूंकि ये डंबल शेप है, क्या शेप है, डंबल, b u m b, डंबल मतलब बेलनाकार, क्या तो बोलिए, बेलनाकार होता है। जब हम px लेंगे तो बेलना का जो डंबल फॉर्म को कहा लेंगे, x एक्सिस के ऊपर में शो करते हैं, आप देख सकते हैं x एक्सिस के ऊपर में शो किए, जबकि y और z में कोई टच नहीं करा है। सेम उसी प्रकार जब हम लोग py लेते हैं y एक्सिस के लिए, तब ये डंबल कहां बनेगा बोले, y एक्सिस के ऊपर आएगा, और जब z एक्सिस की बात करते हैं तो pz कहां बनेगा बोले, z एक्सिस में आएगा। इस प्रकार से हम लोग P सबसेल का जो तीन ऑर्बिटल है, दैट इज px py pz को क्या क्या हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग क्या बोले z एक्सिस, दैट इज px py एंड pz, एंड शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज क्या बोले, डंबल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि s ऑर्बिटल का क्या होता है बोले, स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल का क्या होता है बोले, डंबल शेप होता है। अब आता है क्या बोले, d ऑर्बिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग आते हैं d ऑर्बिटल का शेप को क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग कि d ऑर्बिटल का शेप को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए
आपको पहले बता दिए थे कि डी का ऑर्डिनेशन क्या था पहले, 5 1 2 3 4 5, डी सबसेल में 5 अकड़ल है, ठीक है, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी क्या बोले जेड स्क्वायर, दैट इज 5 ऑर्बिटल्स। अब सर को हमको क्या करना है, अलग अलग शो करना है, इसमें ध्यान देना है कि डी ऑर्बिटल का शेप होता है दैट इज डबल डम्बल, क्या होता है डबल डम्बल, डबल बेलनाकार का होता है। अब देखिए कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स एकदम इजी है, घबराना नहीं है, इसको एकदम इजी वे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या बोलिए, डी एक्स वाई, क्या बोलिए ये आपका डी एक्स वाई, ये क्या बोलिए डी वाई जेड, ये क्या है डी जेड एक्स, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है डी जेड स्क्वायर, टोटल आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज 5, और पांचों को क्या करना है हमको समझना है, समझाना है। तो सबसे पहले क्या था बोले एक्स वाई डी एक्स वाई, ध्यान देना है चूंकि एक्स वाई है इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस माने, इसको क्या माने बोले वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा क्या बोले वाई जेड है, इसलिए फ्रंट को क्या वाई और आपको क्या बोले जेड, डी जेड एक्स था इसको हम लोग क्या माने जेड, इसका माने बोले एक्स। पहले हम लोग 3 बनाते हैं उसके बाद दोनों पढ़ के करके एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों घबराना नहीं है, बहुत ही सरल है, एकदम इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जब भी हम लोग डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स तीनों में एक ही आइडेंटिकल है, जब भी हम लोग डबल बेलनाकार को बनाते हैं दैट इज डबल डंबल को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, उस समय आपको ध्यान देना है कि एक्स और वाई एक्सिस या वाई और जेड एक्सिस या जेड और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, यही आपको समझना है। तो देख लीजिए अभी इसमें हम क्या करना है, डबल डंबल को एक्सप्रेस करना है। देखिए एक डंबल आपका ये लाता है, ये आपका एक डंबल ये और एक डंबल ये, अब देखिए आ जाता है आपका डबल डंबल, लेकिन जब डबल डंबल को यूज किए तो एक्स और वाई को टच नहीं करता है, अबव द एक्सिस में वो नहीं बनता है, ठीक है। अब देख सकते हैं एक्स और वाई में दोनों ही डंबल किसी भी परिस्थिति में एक्स और वाई को टच नहीं करता है, सेम उसी प्रकार वाई और जेड में डबल डंबल टच नहीं करेगा, सेम फिगर यहाँ पर प्लॉट होगा, सिर्फ एक्स वाई की जगह में वाई जेड होगा और यहाँ पर क्या बोलिए जेड एक्स होगा, तो सेम प्लॉट कीजिए, ये पहुंच गया क्या बोले वाई जेड, सेम उसी प्रकार ये आपका आ जाता है जेड एक्स, कितना सरल था कितना इजी था, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, सभी हम में हमारे क्या बोले डबल डबल है लेकिन दोनों एक्सिस को वो टच नहीं करते हैं, लेकिन अब आ रही है क्या बोले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस कंडीशन में वो एक्स और वाई एक्सिस का ऊपर में क्या करेगा बोलिए डबल डबल शो होगा। देखिए अब इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई, तो पहला जो आपका डबल था अबोव एक्स एक्सिस और दूसरा भी आया क्या बोले अबोव वाई एक्सिस, दोनों में खास डिफरेंस देख लीजिए दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या बोले वाई स्क्वायर, लेकिन जब डी जेड का लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसको एक्स एक्सिस मानते हैं इसको जेड मानते हैं, इस पर समझने वाली बात है, एक डंबल हमारा जो आ जाता है अलोंग जेड एक्सिस और एक पार्ट जो हमारा जो सर्किल टाइप का शो होता है इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे इसको शो करेंगे दैट इज क्या बोलिए डी जेड स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग डी सबसेल का पांचों ऑर्बिटल का शेप को क्या किए एक्सप्लेन किए, दैट इज डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आशा रखता हूं कि अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कंप्लेंट बॉक्स में जाके जरूर कॉमेंट करें, हमेशा हमारा टीम आपके साथ है, हमेशा हम लोग आपका मदद करते रहेंगे, ठीक है।